Hey, और आप सबके लिए फिर से, दिया दिया से बिलोंग करती है सी एम ए क्वालिफाई किया है और सबसे बेस्ट पार्ट इस बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट लग गए तो क्या मेरा कैंपस होगा या नहीं होगा दिया का सिलेक्शन फोर्ड मोटर्स में हुआ है तो सुनते हैं दिया की जर्नी और कैसा रहा है कैंपस का सफर सो हाई दिया हाउ आर यू हेलो सो हा मैं बहुत अच्छा हूँ थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड कमिंग ऑन माय प्लेटफार्म फाइन दिस इज अनलचिंग टू सॉन्ग हियर थैंक यू सो मच ओके सो हाउ वाज योर कैंपस जर्नी लाइक आपको कैसा फील था जब आपके पास ऑफर लेटर आपको मिला so, हम तो बहुत स्ट्रेसड बिकॉज़ सर कैंपस मेरा ही मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था कैंपस <laughs> थे, में बिकॉज़ आई हैड माय सेकंड अटेम्प्ट मेरा फाइनल सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग तो हुआ नहीं था दो ही जगह हुआ था तो फोर्थ में मेरा पहला इंटरव्यू था तो जैसे ही हम दिए गिफ्ट माय इंटरव्यू एंड ऑन द स्पॉट दे टोल्ड मी दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड सो आई वाज वेरी हैप्पी लाइक पहले तो मैं बात भी नहीं हुआ कि आई एम सिलेक्टेड तो फिर दे टोल्ड मी टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल एंड ऑल तो हम बोले ठीक है बट आई टेल माई पेरेंट्स बिकॉज दे डिजर्व टू डू इट फर्स्ट सो बहुत खुशी हम लोग पहले विश्वास नहीं कर पा रहे थे तो आफ्टर जब लाइक like, आपने मुझे ऑफिशियली कंफर्मेशन कर था तो आपने मुझे बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया तो लाइक like, आपको कैसा लगा लाइक like, मेरे साथ आपकी जर्नी फॉर कैंपस so, आपको बताता है लाइक ह्यूज कंफ्यूजन फ्रॉम योर साइड बिकॉज नहीं हो पाता बिकॉज जी कभी पहले किए नहीं है बस सुने की जी डी होता है लेकिन एक्चुअली होता क्या है और आप एवरी डे जी क्लासेस करते थे तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था जैसे एक चीज आई रियलाइज जब इंटरव्यू में भी था ना आई वॉज कॉन्फिडेंट और वो कॉन्फिडेंस वेरी मच नीड लाइक जी डी में भी हम बिल्कुल नहीं सामाई स्मिंग जो आप दिए थे पूछा गया था एच आर क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे को आंसर्स पता था तो और अच्छे से प्रेजेंट हो पाया तो हम तो अपने फ्रेंड्स लोग पेरेंट्स है योर कंट्रीब्यूशन इन दिस पार्ट

सो so, इंटर्नशिप के साथ साथ आपने स्टडी भी मैनेज किया और फिर आपने पेपर्स भी दिए तो इंटर्नशिप के साथ साथ स्टूडेंट्स कैसे स्टडी को मैनेज कर सकते हैं हम सर ये तो बोलेंगे बिकॉज एक टाइम मैनेजमेंट इज वेरी सर हमको पूरा लाइक आठ नौ घंटा ऑफिस में जाना पड़ता है फिर करना पड़ता है तो इसलिए मेरा फर्स्ट फर्स्ट टाइम का डिस्प्ले भी नहीं, नहीं था बिकॉज हम कम टाइम का लिख लिए थे थी राइट यस फॉर्म से किए सी एम ए फॉर्म से किया था

तो एक स चाहिए था कि तो तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे कैसे हम बोलेंगे तो वो तो आपसे मिला और फिर हम अब सच्ची बता रहे रिकमेंड कर दिए जो अभी कर रहे हैं पी एम आई का पास तो, तो जाना ही है बिकॉज मतलब सीरियसली कॉन्फिडेंस आ गया था लाइक पहले आप देखी होगी पहले की क्लासेस मतलब तो फम्बिल भी करते थे ना तो उसके बाद हम फम्बिल करना भी छोड़ दिए थे

तो थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज चैलेंजेज होगा तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपके पास टाइम है अच्छे से इन्जॉय करो और थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर भी फोकस करना है बेस्ड ऑन द जॉब प्रोफाइल क्या क्या स्किल्स और आप इनहेंस कर सकते हो बाकी आपसे बस एक और रिक्वेस्ट है क्या क्या स्टूडेंट्स को चीजें करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी वो सी एम एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के थ्रू तो आप थोड़ा बता सकते हो हम तो बोलेंगे एवरी डे एटलीस्ट फोर्टीन आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए बिकॉज हम लोग ऐसे बोलते हैं चौदह पंद्रह घंटा पढ़े लेकिन इफेक्टिव आठ से दस ही निकलता है आर मोर स्टडी भी अच्छा से हो जाता है और वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए एग्जाम के डेढ़ महीना पहले तो मतलब तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए सारा जितना सर के पास ट्यूशन नहीं हो वो सारा मटीरियल सॉल्व करो इंस्टीट्यूट का भी सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट आइट की बिकॉज बहुत जन बोलते हैं कि नहीं कहा नहीं है गलत ही होता है लेकिन हम तो बोलते करना चाहिए फिर भी इवन इफ रॉन्ग

लेकिन वैसा करके मैंने खुद का स्ट्रेटेजी होना चाहिए हमको इतना दिन में कम्पलीट करना के पहले तो सारा कम्प्लीट हो जाना चाहिए रिविजन भी फिर देन यू सोल्व योर पास यूर क्वेश्चन पेपर सो स्ट्रेटेजी तो बनाना तो 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 तो